प्यारे दोस्तों नमस्कार, वेट गुरु राधे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राधेश्याम सैनी। ये भैंस देखिए जितनी आराम से खड़ी हुई आपको दिख रही, उतना आराम एक्चुअली है नहीं इसको, क्योंकि इसकी गले पर है खतरनाक सूजन। ये देखिए आपको आराम से इस व्यू में दिखेगा, लेटरल व्यू में देखिए गले के नीचे, ट्रेकिया के ऊपर ठीक गलगोटू के जैसे सिम्टम्स आते वैसे हैं दोस्तों। लेकिन घुरका क्या देखिए, नाक को भी देखिए, ये दबा देगा नोस्टिल से ठीक नीचे, देखिए ऊपर वाले होठ हैं, अपर जो लिप्स हैं दब रहे हैं ऐसे, यानी ये एक्चुअली दोस्तों डिस्पनिया है, यानी डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि गले पर ट्रेकिया पर ही स्वेलिंग है दोस्तों। तो कैसे आएगा सांस बताइए, हैं? तो सांस ये देखिए गोबर भी कर दिया इसने बेचारे डर के मारे, क्योंकि हमें देखकर गोबर कर ही देते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा खौफ बहुत दूर दूर तक है दोस्तों। तो खौफ में आकर दोस्तों ये पशु कर ही देते हैं, क्योंकि आंतों की पेरिस्टेटिक मूवमेंट बढ़ जाती है एड्रेनलिन हार्मोन के प्रभाव में, बार बार बता चुका हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, अब इस तरह से जो गलगोटू का जो मामला बन गया है, इसका इलाज कैसे करेंगे थोड़ी देर में आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, बड़ा मज़ा आने वाला। और बारिश के मौसम में खासकर मानसून में ऐसे केसेस बहुत आते हैं, बड़ा चैलेंजिंग केस है ये भी ठीक करना। तो दोस्तों ये देखिए टेम्परेचर ले रहे हैं, जो कि लगभग नॉर्मल ही आएगा, हालांकि फीवर भी आता है कभी कभी, लेकिन देखते हैं, लगता नहीं है इसको फीवर आएगा, लेकिन देखते हैं अभी ये थर्मामीटर क्या कहता है। रुकिए थोड़ी देर, रुको जरा, सब्र करो, आएगा अभी थर्मामीटर। ये देखिए ये दिखा रहा है हरिशंकर निठारवाल 100.9 डिग्री फॉरेनहाइट, यानी कि नॉर्मल है, ठीक है, 99.2 101, ये नॉर्मल होता है फॉरेनहाइट भैंस में। ये म्यूकस मेम्ब्रेन देखिए दोस्तों आँख की, ये भी हल्की गुलाबी रंग, यानी नॉर्मल है, दैट इज आल्सो नॉर्मल। तो ये देखिए दोस्तों, सिर्फ ये सांस लेने में दिक्कत है, ट्रेकिया भी स्वेलिंग है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के केसेस में, और ख़ासकर मानसून का ये सीजन है, तो हम देखो गलगोटू टाइप का इलाज करेंगे, एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल लगाएंगे जो गलगोटू की ड्रग ऑफ चॉइस है, वो भी साथ में, और दूसरे प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो तो वो भी दूर हो जाएगा। देखो दो, ये देखिए सांस लेने में थोड़ी दिक्कत है इसको, आराम से मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो बने रहिए। देखो बादल, आप मानोगे नहीं कि मानसून की रेनी सीजन है क्या सर, हम मानेंगे नहीं, लेकिन देखिए हमने दिखा दी, आसमान में मंडराते बादल, थंडरिंग क्लाउड्स, गरजते हुए बादल, वो एक अलग बात है, थंडरिंग क्लाउड्स नेवर रेन, गरजने वाले कभी बरसते नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही सरल सा इलाज, इंजेक्शन सल्फामिथोक्साजोल ट्राइमिथोप्रीम, इंजेक्शन टोलफिनेमिक एसिड और इंजेक्शन फ्रोसेमाइड, ये तीनों लगाते हैं दोस्तों गलगोटू के इलाज में, तो आराम आ जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।